हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द सेट ए हैज 2016 मोर सब मोर एलिमेंट इन सबसेट देन बी। ठीक है, इफ ए इंटरसेक्शन बी हैज 3 मेंबर्स देन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ टू सबसेट दे रखा है ए एंड बी। तो लेट ए में एलिमेंट मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इक्वल टू एन वन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इक्वल टू एन टू। ठीक है, द सेट ए हैज 2016 मोर सबसेट देन बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का जो डिफरेंस है टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2016 ये दे रखा है आपको। तो 2 की पावर n, n1 माइनस 2 की पावर n2 इक्वल टू 2016। ये इनइक्वालिटी ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, n1 एंड n2 फाइंड करना है। दो अननोन है तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे आप 2 की पावर n1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, या n2 ले लीजिए, यहाँ पे n2 ले लीजिए, 2 की पावर n2। तो ये हो गया 2 की पावर n1 माइनस n2 माइनस 1 एलिमेंट इक्वल टू 2016। तो हमको 2 की पावर में लिखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 × 3 × 7, यानी ये हो गया आपका 63। ठीक है, अब दोनों तरफ इक्वेट करेंगे 2 की पावर n1 माइनस n2 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 5। 63 को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस 1, ये 64 हो गया, 64 माइनस 1। देन इक्वेट अब करेंगे, इक्वेटिंग। ठीक है, तो n2 का वैल्यू आपको आ जाएगा 5 एंड n1 माइनस n2 हो गया 6। तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n2 का वैल्यू हो जाएगा आपका, n2 5 है तो n1 यहां से निकल गया, 6 प्लस 5 दैट मीन्स 11। तो 11 एलिमेंट इसमें है n1 में, और n2 में कितना एलिमेंट हो गया, 5 एलिमेंट। आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये ना। तो एन ए हो गया आपको 11, एन बी हो गया 5, और ए इंटरसेक्शन बी हैज 3 मेंबर्स, सो -3। तो ये हो गया 16 माइनस 3 दैट मीन्स 13। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।